हे गाइस, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है सैटरडे और मैंने मयू ने सोचा कि यार चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, तो फिर अभी शाम के टाइम पर अच्छा हो गया था मौसम, ठंडा भी हो रहा था, तो हम लोग ऐसे बस घूमने निकल दिए। और पता है, घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ गई मोमो के स्टॉल पर। तो मैं मोमो के स्टॉल में गई तो वहाँ देखा मोमो वाले भैया है नहीं। एक मन तो कर रहा था मोमो के डब्बों को उठा के भाग जाऊँ, फिर दो चार मिनट इंतज़ार करने के बाद मोमो वाले भैया पहुँचे अपनी दुकान पर। तो मैंने कहा भैया मोमो का डब्बा लेके भाग जाती मैं अगर आप टाइम पे दुकान पे नहीं आते। तो भैया कह रही कोई नहीं दीदी, आप ले जाओ। फिर क्या था भैया, हम लोगों ने गर्मा गर्म मोमोस खाए और खाने के बाद हमने जैसे दो कदम बढ़े थे वैसे ही हमारी नजर पड़ी गोलगप्पे की दुकान में। भाई गोलगप्पे तो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, बट आज ना गोलगप्पे थोड़े अजीब हुए थे, वो भी सिर्फ बारिश की वजह से सील गए थे। गोलगप्पे खाने के बाद हम दोनों चले गए आगे को। आगे गए, ओए होए क्या मौसम हो रहा था, मस्त रोड भी एकदम साफ साफ सी, मजा आ रहा था देखकर। ये मजे ना कुछ कदम आगे जाके खत्म हो गए, मतलब इस रोड में पूरा पानी पानी भरा पड़ा था, कीचड़ कीचड़ हुआ था। और यहाँ देखो भाई, कुछ ही टाइम में तो मस्त फ्लाईओवर बन गया। यहाँ से मैं इतनी गंदी नाली से गुजरी हूँ ना, मुझे ही पता है भाई। चलो चलो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, इंसान बड़ा या इंसान का पेट बड़ा? अगर आप मुझसे जवाब मांग रहे हो तो मैं तो बोलूंगी भैया इंसान का पेट बड़ा, क्योंकि अब मैं खाने जा रही हूँ बर्गर। यहाँ का बर्गर बहुत टेस्टी होता है। तो बर्गर वाले भैया ने कहा कि 15 से 20 मिनट लग जाएंगे बर्गर बनने में, तो हम लोगों ने सोचा चलो और आगे घूम लेते हैं। बट इस बार प्लान था कि कुछ नहीं खाएंगे आगे जाके, बस घूम के सीधे आ जाएंगे। और पता है, बातें करते करते हम बहुत आगे पहुंच गए, हमको पता ही नहीं चला कि 20 मिनट कब के खत्म हो गए। फिर हम लोग गोली भागे। सो गाइस, वापस आते टाइम मुझे मिल गए जलेबी वाले अंकल और वो गर्मा गर्म जलेबी बना रहे थे। तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा हमारे लिए भी पैक कर दो, क्योंकि यहाँ आए मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में मैंने सिर्फ 1 बार जलेबी खाई थी। और पता है, बर्गर वाले भैया ना हमको आगे ढूंढने के लिए आए थे, भैया ये लोग कहाँ गए अपना ऑर्डर दे के, आएंगे भी नहीं आएंगे बताने करके। फिर हम लोगों ने यहाँ से बर्गर उठाया, आगे पेमेंट की, इनकी दूसरी दुकान है उसी में ही, यहाँ से पेमेंट करके हम लोग आगे सीधे घर। और भाई घर आके सबसे पहले मैंने तो खाई जलेबी, क्योंकि गर्मा गर्म जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। और इसके बाद मैंने खाया बर्गर, और भाई बर्गर खाने के बाद ना मेरे पेट में जरा भी जगह नहीं बची, वरना मैं रात का डिनर पक्का करती। तो गाइज, आई होप सो आप लोगों को ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा आज का। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।